हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 15 एंड द द नेम ऑफ चैप्टर इज ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर देर वाज़ अ वुड कटर एक बार एक लकड़हारा था तो ये कहानी है एक लकड़हारे की लकड़हारा कौन होता है जो लकड़ियां काट के लाता है एवरी डे इन द मॉर्निंग हर रोज सुबह ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट वो जंगल जाता था टू कट वुड लकड़ियाँ काटने के लिए इन द इवनिंग शाम को ही वुड सेल द वुड इन दिटी और वो शहर में लकड़ियों को बेच देता था वन डे एक दिन ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट वो गहरे जंगल में चला गया इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर और बहुत ही ठंडा दिन था उस दिन हिज फिंगर्स फॉर बिकमिंग नम उसकी जो उंगलियाँ थी वो नम हो गई थी नम मतलब सुन हो गई थी ठंड की वजह से Every now and then, बार बार उसे, the would put down his था, हारा था, उसे जो था, 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 अपनी एक्स, एक्स क्या होती है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को नीचे रखना पड़ रहा माउथ और अपने हाथों को अपने मुंह के पास ले आता देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म और फिर उसके बाद वो अपने हाथों पर तेज तेज ब्लो करता फूक मारता उन्हें गर्म करने के लिए वाइल ही वॉज कटिंग वुड जब वो लकड़िया काट रहा था मिया बलिश्ते मिया बलिश्ते नाम का एक आदमी जो है वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर एक कोने से उसे देख रहा था बलिश्ते सा दैट बलिष्टे बलिश्ते ने देखा द वुड कटर कैप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स के वुड कटर जो है वो अपने हाथों पर ब्लो करता जा रहा है मतलब फूक मारता जा रहा है ही बिगेन टू वंडर उसे आश्चर्य हुआ वॉट ऑल दैट वॉज अबाउट ये सब क्या हो रहा था बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट लेकिन वो ये समझ नहीं पाया ही गॉट अप थिंकिंग उसने सोचा दैट ही वुड गो एंड आस्ट द वुड कटर कि वो जाएगा और वुड कटर से पूछेगा आफ्टर वॉकिंग अ वॉक कुछ दूर जाने के बाद ही केम बैक वापस आ गया थिंकिंग दैट उसने सोचा द वुड कटर मे नॉट लाइक बींग आस्ट क्या पता वुड कटर को अच्छा ना लगे मेरा सवाल पूछना तो देखिए ये है वुड कटर यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड दिस इज मिया बलिष्टी फाइनली मियाँ वलिष्ठे कुड नॉट हेल्प हिम और मियाँ वलिष्ठे अपनी हेल्प नहीं कर पाए मतलब उसे ये था कि मुझे तो पूछना जरूर है ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर एंड सेंट सेंड वो उछलता हुआ वुड कटर के पास गया और उसने कहा हेलो ब्रदर इफ यू डोंट माइंड अगर तुम्हें बुरा ना लगे कैन आई आस्क यू समथिंग क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ तो चलिए देखते हैं मियाँ वलिष्टे ने वुड कटर से क्या पूछा सीइंग दिस टाइनी पर्सन इस छोटे से इंसान को देखकर द वुड कटर वॉज अमेज एंड अम्यूज वुड कटर हैरान भी था और उसे हंसी भी आ रही थी बट लेकिन ही हिड हिज स्माइल स्माइल उसने अपनी को छुपा लिया एंड सैड और कहा of course, of course, हाँ आस्क वट यू वॉन्ट टू पूछो क्या पूछना चाहते हो ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इज वाई डू यू ब्लो फ्रॉम फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड सेड मियाँ बलिष्टे मिया बलिष्टे ने कहा कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों पर बार बार ग्लो क्यों कर रहे हो मतलब हाथों को बार बार फूक क्यों मार रहे हो द वुड कटर रिप्लाइड वुड कटर ने उत्तर दिया इट इज टू कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड है माई हैंड्स आर फ्रोजन और मेरे हाथ जम गए हैं सो इसलिए आई ब्लो ऑन देम टू देम अप अपर लिटिल मैं उनको थोड़ा सा गर्म करने के लिए उनको ब्लो कर रहा हूँ मेरे मुंह से उन पर हवा मार रहा हूँ देन ट कोल्ड अगेन और जब ये दोबारा ठंडे हो जाते हैं आई वॉन अगेन बाई ब दोबारा से गर्म कर लेता हूँ ब्लो करके मिया बलिष्टे मिया बलिष्टे ने हा में से लहिलाया ओ हो सो दैट इज इट तो ये बात है एंड विद डेट ही मूव्ड ऑफ और फिर वो चला गया बट ही स्टेड नियर बाय लेकिन वो पास में ही रुका रहा एंड कैप्टे क्लोज वॉच ऑन हिम और उस पर नजर रख रहा था किस पर

Boil, और उसे बॉइल करने के लिए रख दिया उबालने के लिए the wood was damp, जो थी, थी, लकड़ी थी, वो गीली थी so इसलिए नीचे झुका और fire पर blow किया, फुक मारी to help it burn, ताकि वो जल जाए बलिस्टे वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम बलिस्टे उसे थोड़ी सी दूरी से देख रहा था अरे ही अरे देर ही गोज अगेन वो फिर से क्या कर रहा है उथ अपने मुंह से हवा निकाल रहा है Now यू कैन सी दीज टू pictures. इस पिक्चर में देखिए मिया बलिष्टे जो है वुड कटर को देख रहा है जो कि ब्लो कर रहा है किस पर वुड पर आग जलाने के लिए और इस पिक्चर में ये आलू खाने की कोशिश कर रहा है गरम गरम आगे देखिए द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री वुड कटर को तो बहुत भूख लगी थी ही टुक आउट अ पोटेटो फ्रॉम द हांडी उसने हांडी से एक पोटैटो निकाल लिया ही ट्राई टू ईट इट वो उसे खाना चाहता था खाने की कोशिश की उसने बट द पोटेटो वॉज टू हॉट लेकिन पोटैटो तो बहुत गर्म था ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन इट उसने उसके ऊपर फिर से फूक मारी फू इस तरह से जैसे आप फूक मारते हो अरे अरेट बी मलिस्टेड बलिस्टे टू हिमसेल्फ मियाँ ने फिर से अपने आप से क्या कहा अरे वो हैरान था अगेन वो फिर से फूक मार रहा है नाउ व्यान अब क्या is he going to burn the potato? क्या वो पटेटो को जलाना चाहता है तो मिया क्या सोच रहे थे कि वो अब गर्म हवा निकाल के पटेटो को जलाना चाहता है आफ्टर ब्लॉइंगू फूज ऑन इट थोड़ी और फूक मारने के बाद द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ वुड कटर ने इसे अपने मुंह में डाल लिया एंड बिगेन टू ईट इट और उसे खाना शुरू कर दिया नाउ मिया वॉज वेरी सरप्राइज अब मिया तो बहुत हैरान हो गया ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। वो अपने आप को रोक नहीं पाया एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर और वो वुड कटर के पास फिर से चला गया हेलो ब्रदर ही सेड उसने कहा इफ़ यू डोंट माइंड अगर तुम्हें बुरा ना लगे कैन आई आस्क अ क्वेश्चन अगेन क्या मैं तुमसे दोबारा कोई एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? द वुडcutter replied वुडcutter ने उत्तर दिया नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा आस्क व्हाटएवर यू वांट पूछो पूछो तुम्हें क्या पूछना है मिया बलिष्टि सेड मिया बलिष्टि ने कहा दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी सुबह ही तुमने मुझे बताया था दैट कि यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम अप कि तुम अपने हाथों पर फूंक मार रहे थे उन्हें गर्म करने के लिए नाव यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटेटो अब तुम पोटैटो आलू पर ब्लो कर रहे हो विच इज ऑलरेडी सो हॉट जो पहले से ही गर्म है वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर तुम इसे ज्यादा गर्म क्यों करना चाहते हो अब मियाँ वलिष्ठे तो ये सोच रहा था कि मुँह से सिर्फ गर्म हवा निकलती है और वो आलू को और ज्यादा गर्म कर देगी अब देखो लक्कड़हारे ने क्या कहा उसे नो नो माई लिटिल फ्रेंड नहीं नहीं मेरे छोटे से दोस्त दिस पोटेटो इज टू हॉट ये पोटेटो ये आलू जो है बहुत गर्म है आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन मैं इस पर फूंक मार रहा हूं इसे ठंडा करने के लिए व्हेन ही हर्ड दिस जैसे ही उसने सुना मियां बलिश्ते फेस बिकेम वाइट मियां बलिश्ते का फेस जो है चेहरा जो है वो बिल्कुल सफेद पड़ गया ही बिगन टू ट्रंबल विद फियर वो डर के मारे कांपने लगा एंड स्टार्टेड टू बैक अवे और वापस जाने लगा The was a good man. जो है एक अच्छा आदमी था। said, उसने कहा, क्या क्या हुआ, मिया? क्या तुम ठंड के मारे रहे हो? मिया लेकिन मिया बलिश्ते जो है वापस चलता रहा वेन ही वॉज अ सेफ डिस्टेंस अवे जब वो सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया ही सेड टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से क्या कहा वट काइंड ऑफ अ क्रिएचर इज दिस ये कैसा क्रिएचर है मतलब कैसा इंसान है श्योरली ही मस्ट बी अस्ट और अ जिन जरूर ये कोई भूत या कोई जिन है घोस्ट क्या होता है भूत ब्लो होट ब्लो कोल्ड गर्म हवा ठंडी हवा विद द सेम ब्रेथ एक ही सांस से इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है दैट्स राइट right. बिल्कुल सही देर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट भी कुछ चीजें होती हैं जो नहीं हो सकती बट दे आर लेकिन फिर भी वो होती है आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी अब ये देखिए ब्लो टू मेक द थिंग स्कूल यहाँ पर ये लड़की जो है वो चाय को ठंडा कर रही है तो ये ब्लो कर रही है चीज़ों को ठंडा करने के लिए क्योंकि चाय जो है वो गर्म है एज कंपेयर टू हिज हर ब्रेथ इसकी ब्रेथ से ज़्यादा गर्म क्या है चाय है तो इसकी ब्रेथ तो ठंडी हो गई ठीक है तो वो क्या करेगी चाय को ठंडा करेगी यहाँ पर ये देखिए ये जो बच्चा है वो ब्लो कर रहा है अपने हैंड्स को वार्म करने के लिए गर्म करने के लिए ब्लो टू मेक द थिंग्स हॉट चीजों को गर्म करने के लिए ठीक है अब एक ही सांस जो है वो गर्म और ठंडी किस वजह से होती है एक्चुअल में हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रहता है डिपेंड किस पर करता है बाहर के एनवायरमेंट पे अगर बाहर का एनवायरमेंट ठंडा है तो हमारी सांस उस एनवायरमेंट के कंपैरिजन में गर्म लगेगी अगर बाहर का एनवायरमेंट गर्म है जैसे गर्मियों में हमारी सांस हमें क्या लगती है ठंडी लगती है ठीक है अगर बाहर का एनवायरमेंट गर्म है तो हमारी सांस हमें क्या लगेगी ठंडी लगेगी इसी तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये चाय ज्यादा गर्म है ठीक है और उसके कंपैरिजन में इस लड़की की जो ब्रेथ है सांस है वो क्या है ठंडी है तो ये चाय को ठंडा कर सकती है और इसी तरह सर्दियों में बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमारे हाथ भी बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और हमारी सांस जो है वो क्या होती है हा, हमारे हाथों के कंपैरिजन में गर्म लगने लग जाती है इसलिए हमारी सांस जो है हमारे हाथों को थोड़ी सी गर्मी दे देती है आई होप आपको समझ आ गया होगा इसके पीछे क्या रीजन है इसके पीछे रीजन है टेम्परेचर का ठीक है ज्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ को हमारी सांस ठंडा कर सकती है और कम टेम्परेचर वाली चीज को हमारी सांस गर्म कर सकती है क्योंकि हमारी सांस या हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सेम ही रहता है

उनके ऊपर ब्लो करके हाउ डज इट फील कैसा फील होता है येस आई हैव वार्म्ड माई हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन दैम हाँ मैंने अपने हाथों को गर्म किया है उनके ऊपर ब्लो करके वेन दे आर कोल्ड जब वो ठंडे होते हैं इट फील्स वार्म एंड कम्फर्टेबल इससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलती है और मैं कम्फर्टेबल फील करती हूँ ब्लो हार्ट फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स अपने हाथों पर बहुत तेज से ब्लो करो मतलब फूको हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम यूर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर आपके मुंह की सांस से कैसी है ठंडी है एयर फ्राई माउथ फील्स हॉटर मेरे मुंह की हवा जो है वो गर्म महसूस होती है एज कंपेयर टू द एयर अराउंड बाहर की हवा के कंपेरिजन में नाउपुट हैंड समिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ अब अपने हाथ को अपने मुंह से थोड़ा सा दूर रखो एंड ब्लो अगेन और फिर से ब्लो करो डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म क्या अभी भी आपको आपकी सांस गर्म लगती है वी पुट हैंड्स एट सम डिस्टेंस जब हम कुछ दूरी पर अपना हाथ रखते हैं अपने मुंह से इट डज नॉट फील मच वार्म ये हमें ज्यादा गर्म नहीं लगती दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेवलिंग फ्रॉम माउथ टू अवर हैंड्स जब हवा हमारे मुंह से हमारे हाथों तक पहुंचती है द एयर फ्रॉम माउथ गेट मिक्सड विद द आउटसाइड एयर हमारे मुंह की हवा आसपास की हवा में मिक्स हो जाती है एंड बिकम्स कूल और वो ठंडी हो जाती है इसलिए थोड़ी सी दूरी पर हमें वो ज्यादा गर्म नहीं लगती है थिंक एंड टेल सोचो और बताओ कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज द वॉम फ्रॉम योर ब्रेथ क्या आप कोई और तरीका बता सकते हो जिसमें आप अपनी सांस का इस्तेमाल करते हैं गर्मी के लिए यू कैन सी दीज टू पिक्चर्स आप ये दो पिक्चर्स देख सकते हैं इस लड़के को चोट लगी है और ये लड़की क्या कर रही है एक कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर ब्लो कर रही है और फिर उसने इसके सिर पर रख दिया फोल्ड ए पीस ऑफ क्लोथ थ्री फोर टाइम्स आपने एक कपड़े को तीन चार बार फोल्ड करना है नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ अब इसको अपने मुंह के पास लेके आओ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट और इसके ऊपर तेज तेज लो करो फूको। क्या क्लोथ हो हो जाता है? Yes, the cloth became warm. हाँ, कपड़ा गरम हो गया। बलिष्टे cool ने सोचा कि ने देखा कि वुड कटर जो है वो हॉट पोटेटोज को क्या कर रहा था कूल कर रहा था उनके ऊपर फूक मारके वट वुडन इफ ही पोटेटोज विदाउट कूलिंग दैम क्या होता अगर वो इन्हें ठंडा किए बिना खा लेता तो ऑफ कोर्स उसका मुंह जल जाता his mouth would have got burned उसका मुंह जल जाता ड्यू टू द हॉट पोटैटोज गरम पोटैटोज की वजह से हैव यू एवर बर्नड योर टंग क्या आपकी जीभ कभी जली है व्हेन यू एट और ड्रंक समथिंग दैट वाज टू हॉट जब आपने कुछ ज्यादा गरम खा लिया हो या पी लिया हो यस आई हैव बर्नड माय टंग मेनी टाइम्स सबकी जीभ जरूर जली होगी जब आप गरम चाय या दूध पीते हो आई कूल द हॉट फूड आइटम्स बाई ब्लॉइंग ऑन दैम मैं गर्म चीज़ों को उन पर फूक मार के ठंडा करती हूँ इफ़ यू वर्ट टू कूल दीज थ्री हॉट थिंग्स अगर आपको ये तीन चीज़ों को ठंडा करना हो कौन कौन सी तीन चीजें हैं दाल रोटी और राइस इन विच वेज वुड यू डू सो आप कैसे करोगे उनको हम उसको फैन के नीचे रख सकते हैं दाल रोटी एंड राइस कैन बी कूल बाई कीपिंग दैम अंडर फैन फॉर समाइम या फूक भी मार सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नाउ लुक एट दिज टू पिक्चर चाय को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, उस ब्लो करके, मार के. आप क्या सोचते है? कौन सी ज्यादा गर्म है मिनी टी मिनी की चाय और द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ या वो हवा जो उसके मुंह से आ रही है मिनीज टी इज हॉटर देन द एयर मिनी की चाय जो है वो उस हवा से ज्यादा गर्म है जो उसके से आ रही है। तो two, रही है, है? है। है। ठीक तभी तो वो वो ठंडी कर पाएगी। को बहुत ठंड लग और और अपने हाथों पर ब्लो किए जा रहा है। Now think and write. अब सोचो और बताओ विच विल बी कूलर कौन सा ज्यादा ठंडा है सोनूज हैंड और के हाथ या उसकी सांस? सोनूज हैंड्स विल बी कूलर सोनू के हाथ ज्यादा ठंडे हैं उसकी सांसों के कंपैरिजन में तभी उसकी सांसें उसको गर्म लग रही है हैव यू सीन सम पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या आपने कुछ लोगों को देखा है अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए जैसे कि फ्लू ढोलक बीन गिटार मृदंग एक्सेट्रा कैन यू रिकॉगनाइज देर साउंड विद योर आईज क्लोज क्या बंद आंखों से आप उनके साउंड पहचान सकते हो बिल्कुल पहचान सकते हैं फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनके बारे में और पता लगाओ इन कलक्ट देयर पिक्चर्स टू तो ये है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू नेम समिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लेजिंग साउंड इन टू देम क्या आप कुछ ऐसी चीजों के नाम लिख सकते हो या बता सकते हो जिनके अंदर अहम हवा मारे तो उनमें से मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती है मधुर संगीत बजता है तो चलिए कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं दीज आर दिंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर ब्लो करने से वो मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करते हैं आई होप आप सबने ये वाले इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे देखे हैं ना सब ने सो स्टूडेंट्स हेयर आवर फर्स्ट पार्ट हैज बिन कम्प्लीटेड यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है कम्प्लीट विल मीट विदार्ट टू हम पार्ट टू के साथ फिर मिलेंगे इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बाय स्टूडेंट्स